हमने देखा 6 दिन पहले आया था, हमें अपडेट रहना चाहिए था. ओके सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं. सो इसकी जो डायरेक्टर है उनका नाम है रंजीत एम तिवारी और इसको लिखा है आसिम क्या नाम आसिम अरोरा एंड परवीज शेख. और जो स्टारिंग इसकी स्टारिंग है अक्षय कुमार, जैसे कि अक्की नहीं सबके फेवरेट. हाँ कभी ना बूढ़े होने वाले सीरियसली है, मुहावरा सा लग रहा है मुझे वो तो सीरियसली कभी ना बूढ़े होने वाले. 53 ईयर ओल्ड है वो अभी भी, मतलब क्या फिट एंड फाइन है यार. लेकिन वो क्या स्ट्रिक्ट सा रूल भी तो फॉलो करते हैं ना, सुबह 5 बजे उठना है, ये करना वो करना, टाइम पे उठना, सारे रूटीन फॉलो करना, तो सब कुछ फ्री में नहीं मिलता. उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है बहुत ज्यादा. 3 बजे उठना पड़ता है, 4 बजे उठना पड़ता है. सो हम कहां उठते, लेकिन हाँ 5 बजे भी उठ सकते हैं, मर्जी है. सब हम कास्ट की बात कर रहे थे, वाणी कपूर और हुमा कुरैशी एंड द ओनली वन लारा दत्ता. लारा आई ये जवानी दीवानी में आई, वो लड़की नहीं थी लारा आई, वो टीचर वो थी. अरे यार उस ये जवानी दीवानी में वो नहीं थी, एक वो है ना, एक एक्टर है, कोई फॉरेन एक्टर है, वो उसका नाम नहीं पता मेरे को. उसको बहुत अच्छा रोल किया उसने यार. अच्छा ये जवानी दीवानी में उसका अच्छा रोल है. उस जब भी वो आते ना ये वाली ट्यून आती लारा आई, तो जब भी मैं लारा सुनती ना मुझे वही ध्यान आता है लारा आई. सो ओके फाइन, तो हम ट्रीजर स्टार्ट करते हैं. वैसे ये एक मूवी स्पाई थ्रिलर मूवी है, उस पर बेस्ड है और ये आने वाली है 2021 में. होप सो कि वो सेकंड ऑफ अप्रैल हमारा, फिंगर क्रॉस, हाँ फिंगर क्रॉस, ये थोड़ी मुंडी की तरह ना हो, हाँ कोरोना चला जाए, हम बाहर जा पाए, जा सके, हम जाएंगे अब से वेट करें बाहर जा सके. 2 अप्रैल को आ रही है 2021 में. सो लेट्स चेक इट आउट कि कैसी होती है, क्योंकि हमें तो आइडिया नहीं है, देखकर बता. स्पाई थ्रिलर है तो कुछ यू नो एक्शन टाइप होगा. बहुत छोटा था इसमें, इसको देख के ऐसा लग रहा ना कि मतलब ये सोल्जर टाइप का मुझे लग रहा है कि जैसे कि या तो ये कोई एजेंट है, हाँ या तो स्पाई है, तो स्पाई तो एजेंट ही होंगे ना. सो बेसिकली गाइस जितना हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये 1980 में एक प्लेन हाईजैक हुआ था उस पे बेस्ड मूवी है. और कुछ जेम्स बॉन्ड टाइप की होती है ना कि जिसमें जो अक्षय कुमार है वो एक स्पाई होकर उन सबको बचाएंगे, बचाएंगे क्या करेंगे वो अभी इतना नहीं पता नहीं है, बट वो एक स्पाई का कैरेक्टर रोल कर रहे हैं. और जैसा कि आप जानते हैं एक बॉलीवुड की मूवी है, तो उसमें प्यार लव तो होगा ही, इसलिए वाणी कपूर को रखा है यहाँ पे. और हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भी है, तो ऑब्वियसली इतनी अच्छी एक्ट्रेस, तो कुछ बड़ा ही रोल होगा, कुछ दमदारी रोल होगा उनका.
तो मूवी बहुत आई थिंक ऑसम होने वाली है. सो हम भी वी ऑल आर वेटिंग फॉर द ट्रेलर का वेट करते हैं, तब थोड़ा समझ में आएगा अच्छा मूवी में क्या होगा एक्चुअली, मतलब कौन, एटलीस्ट ये पता लग जाएगी कि कौन क्या कर रहा है, रोल क्या है किसका. अभी तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बस प्लेन दिख रहे थे, कुछ रेट्रो लुक दिख रहा था, बिकॉज़ 1980 की कहानी, तो ऑब्वियसली उस टाइम का पूरा शो करेंगे. वो पोस्टर भी कुछ उसी टाइप का है. हाँ. चलो यार, अब वेट करते हैं, वेट ही करते हैं. मुझे लगा कि थोड़ा और भी दिखाएंगे, थोड़ा हल्की सी स्टोरी की झलक, थोड़ा सा मॉडलिंग दिखाई. हाँ, ऐसे है ना, अलग अलग ड्रेस वॉक हो रही है, तो समझ नहीं आया. सो ओके, वेट करते हैं और इस वीडियो से मूव करके चलते हैं. सो आज की वीडियो यहीं पे रैप अप करते हैं. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय.